हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो ऐसी मेरी मंगल कामना के साथ हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। आई होप आप इससे रेजोनेट करेंगे। सो अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम भी मेरे चैनल के थ्रू, कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर से ज़रूर देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इस चैनल का मकसद है लोगों की हेल्प करना। तो आज की हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड लेते हैं। राइडर वेट से हमने ये कार्ड लिया है, देखिए दी वर्ल्ड। सो ये जो कार्ड है दी वर्ल्ड, मैं थोड़ा इसके बारे में आपको समझाना चाहूँगी। इसमें आप ढेर सारे फिगर देख रहे हैं अलग अलग, ठीक है। दी वर्ल्ड यानी कि जो वर्ल्ड है वो हर चीज़ से मिलके बना है और हर किसी के लिए है। इंसान को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड सिर्फ उसके लिए है और भगवान ने सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया उसके लिए बनाई है, पर ऐसा नहीं है। ये दुनिया उसने हर किसी के लिए बनाई है, हर दूसरे इंसान के लिए भी बनाई है और हर लाइफ फॉर्म के लिए भी बनाई है। सो जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि एक कम्प्लीशन, ये जो बनता है ना ज़ीरो, ज़ीरो जिसको बोलते हैं, ये ज़ीरो होता है कि आपका कम्प्लीशन हो गया, यानी कि आपकी लाइफ में आपके एक कार्मिक साइकिल का कहीं ना कहीं कम्प्लीशन हो गया है और एक नया कार्मिक साइकिल शुरू होने वाला है। तो जब एक कार्मिक साइकिल कम्प्लीट होता है और दूसरा शुरू होना होता है, तो उसके बीच में डिवाइन हमें एक चॉइस देता है, हर किसी को देता है। किसी को उस बारे में थोड़ी सी इंट्यूशन होती है और किसी को नहीं होती है। सो इस रीडिंग के थ्रू अगर आपको ये इंट्यूशन होती है कि हाँ, आई एम दैट पर्सन जिसका कि एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और दूसरा कार्मिक साइकिल शुरू होने वाला है या हो गया है, सो गाइज यहाँ पे आप लोगों के पास एक क्लियर चॉइस होती है कि आपको जो पिछला कार्मिक साइकिल जैसा था वैसा ही पैटर्न अपनी लाइफ में रिपीट करना है या नए सिरे से अपनी कहानी को इस बार बुनना है। सो अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, आप इसे सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, एसिमिलेट कर पा रहे हैं, हाँ, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है और मेरे थ्रू डिवाइन आपको ये गाइडेंस भेज रहा है कि आपका एक कार्मिक साइकिल कम्प्लीट हो गया है और दूसरा शुरू होने वाला है या हो गया है। तो सेम मिस्टेक्स जो आप अब तक करते रहे हैं, सेम पैटर्न्स जिनको आप फॉलो करते हैं और जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, सेम एटीट्यूड, सेम हैबिट्स जो आप फॉलो करते आ रहे हैं, आपको उनको कहीं ना कहीं अगर अपनी कहानी बदलनी है तो उन हैबिट्स को, उन पैटर्न्स को, हाँ, उन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। ये क्लियर गाइडेंस आप लोगों के लिए है, ठीक है। अगर आप इस तरह की किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, चाह रहे हैं कि कोई चेंज आए, सो गाइस ये टाइम है कि यहाँ पे आप अपनी लाइफ की स्टोरी को अलग तरीके से लिख सकते हैं। सो अगर ऐसा है, आप कोई ऐसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ की स्टोरी को दोबारा लिखना चाहते हैं, नए सिरे से, नए रंगों से उसे भरना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। सेकेंड कार्ड देख लेते हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स। सो टू ऑफ वॉन्ड्स क्या होते हैं? टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है कि ये एक इंसान है और ये टू वॉन्ड्स के बीच में खड़ा हुआ है, एक बड़ी सेफ और सिक्योर जगह पे खड़ा हुआ है, यानी कि अपने कंफर्ट जोन में खड़ा हुआ है। कोई भी सेफ और सिक्योर जगह आपकी साइकी के अंदर होती है, आपका कंफर्ट जोन, ठीक है। तो ये कंफर्ट जोन के अंदर खड़ा हुआ इंसान है, यानी कि कंफर्ट जोन क्या होती है? आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीते आए हैं, जो भी आपका डर रहा है, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हाँ, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जिस तरह के आपके उनके साथ बॉन्ड्स हैं, जिस तरह का उनके साथ आपका जिसे कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज है, तो वो सब एक कंफर्ट जोन का हिस्सा बन जाता है। यानी कि सिचुएशन अच्छी है, बुरी है, लोग जैसे भी हैं, जो भी हो रहा है, हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हमें वो ही ओके लगने लगता है। सो ये कार्ड बताता है कि आप कंफर्ट जोन में तो हैं, आप एक जगह पे हैं तो सही,
लेकिन अब आपके मन में ये विचार आने लगा है, यानी कि आप कहीं ना कहीं द्वंद्व की एनर्जी में, हाँ, दो जो विचार हो जाते हैं, दो इच्छाएं हो जाती हैं कि इससे बाहर निकलूं कि नहीं निकलूं। यानी कि कम से कम आपको इस तरह की क्लैरिटी तो आनी शुरू हो गई है कि एक चॉइस है, और ये चॉइस हमेशा होती है और हर किसी के लिए होती है कि आपको सेम लाइफ में सेम लोगों के साथ सेम पैटर्न्स रिपीट करने हैं। अगर करने हैं तो इट्स ओके, इट्स अप टू यू। ये एक फ्री विल का कार्ड भी होता है, और टू नंबर इटसेल्फ जो है, जहाँ भी टू नंबर होगा, टू नंबर हमेशा ही आपकी दो चॉइसेस के बीच का एक कार्ड होता है। दो चॉइसेस को बताता है कि आपके पास फ्री विल है, आप कभी भी चूज कर सकते हैं और कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मैं आपकी पिक कर पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं इनर लेवल पे ये समझ में आना शुरू हो गया है कि यस आई हैव अ चॉइस, मेरे पास चॉइस तो है। और कहीं ना कहीं आप इस बारे में सोच भी रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ की कहानी को अब बदल देना है। थर्ड कार्ड देख लेते हैं, फोर ऑफ सोर्ड्स। सो फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप आराम से इसको देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। ये एक इंसान है, तलवारें, तलवारें क्या होती हैं, तलवारें या सोर्ड्स जो हैं किस चीज़ को डिनोट करती हैं। ये जो आपके मन के अंदर बहुत तेज विचार चलते हैं ना, जो आपकी बुद्धि है, हाँ, जो बहुत ज़्यादा विचारों को लेती है, करती है, उसको शो करता है। सो ये देखिए, ये इंसान लेट गया है, हाँ, और तलवारें इसके ऊपर लटक रही हैं, लेकिन ये इंसान फिर भी बड़े आराम से, इसने जिसे कहते हैं ना, लेट गो कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, क्योंकि इसको ये चीज़ समझ में आ गई है कहीं ना कहीं अंदर से। हो सकता है ये इंसान आप भी हो सकता है ना हो। इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये जो लाइफ की सिचुएशंस हैं, ये मतलब थोड़ी ट्रिकी हैं, थोड़ी मुश्किल हैं। तो इसने कहीं ना कहीं चीज़ें अपने भगवान पे छोड़ने शुरू कर दी हैं, चीज़ें लाइफ पे छोड़ने शुरू कर दी हैं। ये मेडिटेशन की एनर्जी भी होती है, जब आप, ये प्रेयर की एनर्जी भी होती है, जब आप कोई प्रार्थना करते हैं कि चीज़ें मुश्किल हैं और मेरी हेल्प करो। सो ये इंसान जो है, इसके सिर पे तीन तीन तलवारें यहाँ लटक रही हैं, एक तलवार यहाँ रखी हुई है, लेकिन ये जिसे कहते हैं ना काम एंड कंपोज हो जाना, यानी कि अपने अंदर ही स्थिर हो गया है, और कहीं ना कहीं इसने चीज़ों को भगवान पे छोड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है, लाइफ को लाइफ पे ही छोड़ना शुरू कर दिया है, उनके साथ लड़ना छोड़ दिया है। ये कहीं ना कहीं सरेंडर और लेट गो की एनर्जी में चला गया है, ठीक है। तो ये एनर्जी में आप भी या तो जा चुके हैं या जाने वाले हैं। देन देखिए, वाव, कितना सुंदर कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स। सो एस ऑफ कप्स क्या होता है? एस ऑफ कप्स होता है एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपकी लाइफ में, जिसे कहते हैं अबंडेंस भी आप बोल सकते हैं, और रिश्तों में मधुरता आ जाना, और कोई नई चॉइस मिलना, और कोई न्यू बिगनिंग होना। ये कोई न्यू प्रोजेक्ट भी हो सकता है अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो इसमें क्या होता है कि अगर ये कार्ड आता है तो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी होगी उस काम में, यानी कि जो रिलेशनशिप नई आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है, रिलेशनशिप तो आएगी ही, लेकिन उसमें आपको इमोशनल फुलफिलमेंट, आपको अच्छा लगेगा उस इंसान के साथ। आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, कोई नया ब्रेक थ्रू मिल सकता है, तो उसमें भी यही रहता है कि जो भी होगा वो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन देगा, आपको अच्छा लगेगा वो काम करते हुए, वो बोझ जैसा नहीं होगा। हाँ, तो ये कप्स की जो एनर्जी होती है बेसिकली क्रिएटिविटी के लिए भी होती है, लव के लिए, रोमांस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए भी होती है। पर अगर कोई आप एक ऐसे इंसान हैं जो अभी इन चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इन्हीं को हम दूसरे आस्पेक्ट में, एजुकेशन में भी देख सकते हैं, बिजनेस में भी देख सकते हैं, फाइनेंसेस में भी देख सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नए आइडियाज़ आना, नए आइडियाज़ पे काम करना, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करना। और मुझे आप में से बहुत सारे लोग ना लाइक सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू कोई करियर बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए गाइस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ और बहुत ज़्यादा सक्सेस, नेम एंड फेम मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। प्लीज़ क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव एनर्जी को। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड हम लेते हैं, नेक्स्ट कार्ड इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये बड़ा ही अच्छा कार्ड है, यानी कि जो सोर्ड्स है ना, सोर्ड्स डिनोट करती हैं, मैंने अभी आपको बताया,
आपके जो विचार होते हैं जो आपको पहुंचाते कहीं भी नहीं हैं और बस ऐसे ऐसे गोल 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 आपको चक्कर में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाएंगे कि आप जिसे कहते हैं ना अपनी इच्छा से, अपनी विल से, अपने संकल्प से, अपने जो विचारों का जो जाल है ना, जो जाल बनाया हुआ है जिसके आर पार कुछ अच्छे से दिखता नहीं है, ठीक है, उसको तोड़ पाएंगे, उसको काट पाएंगे। तो आप धीरे धीरे इस किंग की एनर्जी में मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। तो इसके बाद हम कार्ड लेते हैं। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, एक ही रीडिंग में दो दो एसेस का आ जाना, वाओ, दिस इज द सो वाओ। सो एस ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है कि इसमें कोई ब्रेक थ्रू, जैसे कि मैंने यहाँ पे एस ऑफ कप्स के थ्रू भी बोला है, तो ये एस ऑफ कप्स को मोस्टली हम अपने इमोशनल एस्पेक्ट में देखते हैं, और ये जो एस ऑफ सोर्ड्स आता है इसे मोस्टली हम देखते हैं अपने फाइनेंशियल, अपने करियर, इस तरह के एस्पेक्ट में। इसमें न्यू आइडियाज का आ जाना, हाँ, और थोड़ी मेंटल क्लैरिटी हो जाना कि मुझे क्या करना है और किस तरीके से करना है, कोई मेजर ब्रेक थ्रू मिल जाना, हाँ, नए प्रोजेक्ट पे काम करना, नए आइडियाज पे काम करना। सो ये अच्छा है। और अगर कोई लीगल मैटर्स हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सो उस उन लोगों के लिए भी इस कार्ड के थ्रू एक अच्छी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड इज वाओ, दिस इज तो सो वाओ, लाइक आप देखिए ये क्वीन कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, और एक बिल्कुल बिल्कुल प्यारी सी क्वीन है। मतलब इसके पास सब कुछ है, इसके पास अबेंडेंस भी है, इसके पास ब्यूटी भी है, इसके पास लाइट भी है, लाइफ भी है, सब कुछ है इसके पास जो एक लाइफ में चाहिए होता है एक इंसान को। सो गाइस, आपके लिए बड़ी अच्छी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में जाने वाले हैं, यानी कि टोटल जो अबेंडेंस होती है रिलेशनशिप में, जो फुलफिलमेंट होती है, और ढेर ढेर सारी चीज़ें अपने लिए बना पाना, कर पाना, वो सब आप कर पाएंगे। और कुछ लोग जो मैरिड हैं लेडीज और प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं, सोच रही हैं, तो गाइस इसे क्लेम कीजिएगा, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ये प्रेगनेंसी के रिलेटेड भी आपको गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलने वाली है, और अगर आप मुझसे टाइम पूछें तो मैं देख पा रही हूँ, और अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि हाँ अब आपको एक नई लाइफ को इस दुनिया में लेके आना है, तो विद इन 3 मंथ्स आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो गॉड ब्लेस यू। एंड नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये रीडिंग तो जिसे कहते हैं ना छप्पर फाड़ के जब कोई देता है ना भगवान, वो वाली रीडिंग हो गई है। मतलब देखिए कार्ड्स भी कितने अच्छे आए हैं, कहाँ से आपने अपनी जर्नी शुरू की, कैसे आपका एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ, कैसे आपने फ्री विल के थ्रू, सरेंडर के थ्रू कुछ न्यू जनरेट किया अपनी लाइफ में, कुछ अपनी विश के थ्रू, कुछ गुड लक के थ्रू, कुछ भगवान ने आपको दिया। सो ये आपका फाइनल आउटकम है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, और इससे ऊपर तो पेंटिकल्स भी नहीं होते हैं पूरे कार्ड में, पूरे डेक में, सॉरी। तो टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसमें है कि वर्ल्डली जो प्लेजर हैं, अबंडेंस हैं, लग्जरीज हैं, वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। साथ में आपको जो है ना, ये देखिए इंसानों का साथ आपस में है, वो अच्छी सी एनर्जी, दोस्तियाँ, नई दोस्तियाँ, अच्छे लोगों का संग साथ। और ये कार्ड आपका आता है अगर कोई इनहेरिटेंस का आपका है इशू चल रहा है, तो वो भी सोल्व हो जाएगा। इनहेरिटेंस से रिगार्डिंग भी कोई इश्यूज होते हैं बहुत बार, या कोई पुरानी प्रॉपर्टी जो आपको पता भी ना हो कि आपसे बिलोंग करती है, वो भी सडनली आपको मिल सकती है। तो प्लीज़ गाइस क्लेम कीजिएगा इतनी पॉजिटिव एनर्जी को, आपकी रीडिंग करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम गाइडेंस लेंगे ओशो से। ओके, ओशो कह रहे हैं कि सोरो की एनर्जी अगर कहीं भी है आपके अंदर, ठीक है, अगर कहीं भी थोड़ी बहुत भी है, तो उससे बिल्कुल बाहर निकल जाइए, वो अब आपको सर्व नहीं करेगी। हो सकता है ये जो कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है या हुआ है, इससे पहले वाले साइकिल में ये चीज़ हुई हो, ऐसा कुछ हुआ हो, लाइफ है, चीज़ें होती हैं, तो सोरो की एनर्जी में आप हो सकता है रहे हो, तो अब आपने इस कार्मिक साइकिल को दोबारा रिपीट नहीं करना है, इस सोरो की एनर्जी से बाहर निकलना है। नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ एडवेंचर, ठीक है, सोरो की एनर्जी से आप कैसे बाहर निकलेंगे। बहुत बार हमें बात कह दी जाती है कि हाँ ऐसा कर लीजिए, इससे बाहर निकल जाइए, कैसे निकलेंगे, थ्रू एडवेंचर, नए लोगों से मिलिए, नए दोस्त बनाइए, कुछ नया कीजिए लाइफ में, पुराने डरे को तोड़ने के लिए जरूरी है कि कुछ नया कीजिए। जो आप चैनल देखते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, उनको भी देखिए, कुछ नया देखना शुरू कीजिए, कुछ पढ़ते हैं आप तो कुछ नया पढ़ना शुरू कीजिए, कुछ नयापन लाइए लाइफ में किसी भी तरीके से,
अगर पुराने ढर्रे को बदलना है आपको, ठीक है। एडवेंचर की एनर्जी में जाइए। वाओ, सारे ही कार्ड्स घूम फिर के एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, अबंडेंस। सो गाइस, आपको सोरो को छोड़ना है, यानी कि पुराने आपके कार्मिक साइकिल में जो भी हो गया है उसको छोड़ दीजिए एकदम से, और कुछ नया क्रिएट कीजिए हर रोज थ्रू एडवेंचर। देन जो है ना, अबंडेंस तो आपकी तरफ भागी भागी आएगी। इस बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को प्लीज पिक कीजिए एंड क्लेम कीजिए। ओके, इसके बाद हम मून से भी कुछ कार्ड्स लेंगे। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। ठीक है, ये इसीलिए हो रहा है कि एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपने उसको अपनी तरफ से नहीं खींचना है। बहुत बार चीजें ठीक हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, हम उनको ना, हमारे मन की आदत होती है, बार बार खींच खींच के लाते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्या कहा। नहीं, छोड़ दीजिए, लेट इट गो, पास इट ऑन प्लीज। सो पर्सनल इश्यू रीचेस रेजोल्यूशन, ये खुद ही ठीक हो रहा है, इसको पकड़ के मत बैठिए। नेक्स्ट कार्ड इज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यस, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है और अच्छी बात है ये आया। ये सब बड़ा पॉजिटिव रहा, ठीक है। ये बड़ी आपकी पॉजिटिव जर्नी होने वाली है, ठीक है। आपका फ्यूचर जो है ब्राइट है, बहुत ब्राइट है, इतना ब्राइट है गाइस कि कुछ लोग तो ना आंखें बंद कर लेंगे, उनसे वो रोशनी सहन भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन रास्ते में योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, वो की जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज जब आपको दी जाती है ना तो देखा जाता है आपको कस कस के, आपको तोड़ के मरोड़ के, कि आप इसके लायक भी हो कि नहीं हो। सो आपकी कमिटमेंट को बार बार टेस्ट किया जाएगा, इसके लिए रेडी रहना है आपने। आपने मेडिटेशन करना है, आपने प्रेयर करनी है, आप जिस भी गुरु को मानते हैं, ठीक है, उनको सरेंडर करना है, ठीक है। आपने डिवाइन को, अपने भगवान को सरेंडर करना है, ठीक है। आप में से बहुत लोग हैं जो मंदिर जाना चाहते हैं, तो वो जरूर जरूर मंदिर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भगवान से कनेक्ट हों, क्योंकि आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा। देन नेक्स्ट कार्ड फ्रॉम द मून इज वर्क थ्रू योर फियर्स। हाँ, तो इस तरह की फिर कोई ना कोई एनर्जी जरूर है मेरे सोल ट्राइब में, कि कोई ना कोई डर है। डर बहुत बार अननोन का भी होता है, डर बहुत बार फ्यूचर का भी होता है, डर बहुत बार एक नई चीज़ को संभालने का भी होता है, क्योंकि पुरानी चीज़ में, पुराने कम्फर्ट जोन में हम बड़ा सेफ और सिक्योर फील करते हैं। हम वो हमें कुछ चीज़ सर्व भी कर रहा है कि नहीं, उसको भी नहीं देखते, हम अपने कम्फर्ट में रहते हैं। तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपने जितने भी फियर्स हैं उनको फेस करना है और उन पे काम भी करना है, ठीक है। डरना नहीं है, इस बार हमें एक नई कहानी लिखनी है, हमें पुरानी कहानी रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। ये मुझसे प्रॉमिस करके जा रही है आप। तो लास्ट में हम गाइडेंस लेते हैं एंजल से। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि ये इतनी अच्छी सी जो रीडिंग हुई है ना, आपका मन भी नहीं कर रहा होगा इस पर विश्वास करने का कि इतना अच्छा सा कुछ मेरे साथ हो सकता है। क्योंकि जब हम अंधेरे में ही रह रहे होते हैं ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उजाला नाम की भी कोई चीज़ है, पर है। ट्रस्ट कीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए सबसे पहले तो, कि हाँ ये सब पॉजिटिव चीज़ें मेरे साथ हो सकती हैं। क्योंकि ओवरनाइट क्या हो जाता है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। ओवरनाइट चीज़ें बदल जाती हैं, ओवरनाइट लोग बदल जाते हैं, ओवरनाइट आपका सब कुछ बदल जाता है। ट्रस्ट कीजिए, यहाँ आपको गाइड किया जा रहा है, आप ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर, आसपास वालों के ऊपर, सबके ऊपर, उस भगवान के ऊपर जिसने इस लाइफ की जर्नी में आपको भेजा है, उस पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज लेट गो। आप इस वाले पूरी रीडिंग में भी और ये वाले कार्ड में भी आपको यही तो कहा जा रहा है कि ये जो सोरो है, ये अब ये है भी नहीं एक्चुअल में, ये पास्ट में है कहीं ना कहीं, पर आप इसे कैरी ऑन किए जा रहे हैं। मुझे बताइए, अगर आप इस तरह की एनर्जी को कैरी ऑन करेंगे तो आपकी लाइफ में इस तरह की एनर्जी कैसे आ जाएगी। आपने खुद ही डिसाइड करना है आज कि आपने इसे कैरी ओवर करना है या लेट गो करना है, या इस चीज़ को ऑन करना है या इस तरह की एनर्जी में जाना है। आज आपको चॉइस दी जा रही है, फ्री विल की चॉइस। फ्री विल की चॉइस तभी मिलती है जब एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाता है और दूसरा कार्मिक साइकिल अभी कंप्लीट शुरू नहीं हुआ होता है। सो इस ट्रांजिशन के फेज में कोई भी चीज़ गलत मत कर लेना और कोई भी गलत चीज़ को पिक मत कर लेना। सो लेट इट गो।
जो भी था, ये जितना भी बड़ा था, जितना भी गलत था, इसको भगवान पे छोड़ दें। ये जिसने भी किया है ठीक है, उसको उसका दंड अपने आप दिया जाएगा। आपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, आपने कर्ता नहीं बनना है कि मैं ही उसको सजा दूँ, उसको उसके कर्म अपने आप सजा देंगे। यू जस्ट लेट इट गो, ठीक है। जब हम लेट गो कर लेंगे, देन लास्ट कार्ड है हमारा, और इस नोट पे, इस कार्ड के बाद हम रीडिंग को खत्म करने जा रहे हैं। अबंडेंस गाइस, कितना कितना मतलब आपको कितनी बार एक ही चीज अलग अलग डेक से एक ही चीज आ जाना, अबंडेंस अबंडेंस एंड अबंडेंस। मुझे लगता है इस पॉजिटिव नोट पे मुझे ये रीडिंग खत्म कर देनी चाहिए। देन चॉइस इज योर्स, आप इस पॉजिटिव सी रीडिंग को, पॉजिटिव सी एनर्जी को क्लेम कर पाते हैं कि नहीं। तो आपकी रीडिंग करने के बाद मुझे, जैसे कहते हैं ना, एक होता है इनर सेटिस्फेक्शन, वो फील हुई है कि मेरे सोल ट्राइब की लाइफ में, मेरे सोल ट्राइब के फ्यूचर में इतनी इतनी ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी है और इतना इतना सारा ढेर सारा अबंडेंस है। तो इस पॉजिटिव से नोट पे हम रीडिंग को ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे उस ऊपर वाले को जिसने हमारा एक कार्मिक साइकिल पूरा करके, एक बहुत अच्छा सा कार्मिक साइकिल हमारी लाइफ में शुरू किया है। सो गाइस, मेरी ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ अपना ढेर ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर काम कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।